हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 6 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भोजन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले इस पाठ के दो और वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप जाकर उसे देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी और भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और कुछ 3 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो पढ़ा चुका हूँ और आगे विटामिन और खनिज लवण आता है। चलिए मैं पहले आपको विटामिन से शुरुआत करता हूँ। बच्चों, विटामिन है सो में बहुत तरह के रोगों से बचाता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड और जो भी होता है उससे हमें विटामिन बचाता है और यह शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। चलिए बच्चों, विटामिन के कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों, विटामिन है सो हम लोग को विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों से मिलता है, जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा हो गया, आंवला हो गया, गाजर, टमाटर, खरबूज, तरबूज, ये सब। बच्चों, विटामिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? अभावजन्य रोग। विटामिन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग, इसको अपना कॉपी में लिख ले। और बच्चों, विटामिन का मुख्य 4 प्रकार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन के भी होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए विटामिन के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, हमारी त्वचा और आँखों को कभी भी खराब होने नहीं देता है। और इससे होने वाला रोग का नाम क्या है? दृष्टिहीनता। ये भावजन्य ही रोग है, दृष्टिहीनता। और इसके स्रोत के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसका स्रोत देख लीजिए, मछली का तेल, दूध, आम, गाजर, तरबूज, ये सब है सो विटामिन ए के प्रकार है। चलिए अब विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, विटामिन बी हृदय और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है और इससे होने वाला रोग का नाम क्या है? बेरी बेरी इससे होने वाला रोग है और ये कुछ बादाम, मीट, मछली ये सब से प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, अगला आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है और इससे होने वाला रोग का नाम है स्कर्वी और ये हमें खट्टे फल एवं सब्जियों से प्राप्त होता है। खट्टे मतलब जैसे आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, मिर्च, ये सब से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। बच्चों, अगला आता है विटामिन डी। और बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा, हड्डी एवं दांतों को स्वस्थ कौन रखता है? कैल्शियम। तो यही कैल्शियम का अच्छी तरह से उपयोग करने में विटामिन डी सहायता प्रदान करता है और इससे होने वाला रोग का क्या नाम है? रिकेट्स। और ये किस चीज़ से प्राप्त होता है हमें? मछली, अंडे, मक्खन, दूध, ये सबसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और सबसे अच्छा चीज़, ये सूर्य का प्रकाश से भी हमें विटामिन डी का प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए जिससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। चलिए बच्चों, अगला आता है विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई है सो त्वचा और प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है। अगर इसका रोग है वही कि आपका त्वचा और प्रजनन अंग सही से काम नहीं करेगा। विटामिन के सो रक्त को थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है और इसका रोग है वही कि रक्त नहीं जमता है। चलिए बच्चों, अगला पोषक तत्व आता है खनिज लवण। खनिज लवण शरीर के उचित वृद्धि और विकास के लिए भी ये भी आवश्यक है और इसके भी कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे आयोडीन, फास्फोरस, लौह और कैल्शियम। तो आयोडीन के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। आयोडीन का स्रोत हमें मिलता है मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद से। अगला आता है फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस के स्रोत मिलता है केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम। और लौह के स्रोत पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत। और कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, शलगम, केला। बच्चों, हम लोगों ने 5 पोषक तत्वों को पढ़ लिया है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और 5वां खनिज लवण। अब आगे भी कुछ बचा हुआ है, जैसे जल, वृक्षांश और कुछ कुछ हम लोग को रोगों के बारे में पढ़ना है, संतुलित आहार, जंक फूड, ये सब के बारे में पढ़ना है।
और ये सबको हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।